संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना शिक्षा स्वास्थ्य समाज सेवा स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर सचिव डॉक्टर शानु राजकुमार यादव। इंदु हॉस्पिटल नीमराणा राज क्षेत्र का अत्याधुनिक 60 बेडेड और NABH मान्यता प्राप्त डॉक्टर इंदु यादव स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक यादव पूर्व सर्जन SMH जयपुर और जाने माने डॉक्टर आवेश बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। इंदु हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे फार्मेसी पैथोलैब ICU NICU ऑपरेशन थिएटर 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना अमूल डेयरी बेनिफिशियरी और सभी प्रमुख TPA सुविधा द्वारा निशुल्क उपचार उपलब्ध। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं RAT24। बहरोड के गांव अनंतपुरा में स्थित CISF ट्रेनिंग सेंटर पर अग्निवीर सेना भर्ती लगातार जारी है। यहां आज दौड़ में शामिल होने के लिए भरतपुर और अलवर जिले के 3631 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें केवल 2130 अभ्यर्थियों ने दौड़ में भाग लिया और सिर्फ 150 युवा ही दौड़ पार कर पाए। भाजपा अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत एक पखवाड़े तक विभिन्न सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में जिला महामंत्री उमेद सिंह भाया, पंडित वीरू भारद्वाज, प्रवक्ता सुनील यादव सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। बहरोड के गांव भगवाड़ी स्थित GPS स्कूल में आज हिंदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव ने बताया कि आज ही के दिन हिंदी देश की आधिकारिक भाषा बनी थी। आज पूरे विश्व में हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा बढ़ी है। स्कूल प्रधानाचार्य योगेश शर्मा ने बताया कि हिंदी दिवस के दिन स्कूल के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इस अवसर पर बच्चों की हौसला अफजाई भी की गई। बहरोड के नारायणदास कॉलेज में भी हिंदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि विश्व में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें अनेक भाषाएं समायोजित हो जाती हैं। कॉलेज प्राचार्य ने भी अपना उद्बोधन दिया। इस मौके पर समस्त छात्राएं मौजूद रही। पश्चिमी भाषा से अधिक प्रभावित हो रहे हैं, जिससे राष्ट्रभाषा की लोकप्रियता कम होती जा रही है। इसलिए ये आज हम सब मिलकर यह शपथ लें कि हिंदी भाषा की राष्ट्रीयता को बनाए रखने में तथा इसके गौरव को संपूर्ण तरीके से निभाएंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें RAT24। नमस्कार।